पैकेट। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे उतर गई हूँ और हम सोच रहे हैं कि ये जो पीछे लिखा हुआ ना माउंटेन जंगल कैंप, मैं सोच रही हूँ यहाँ एक्सप्लोर करके आऊँ कि देखूँ कि वहाँ पे कैसा है, आप लोग को भी दिखाऊँ। अब ये तो दिखा रहा है 300 मीटर ऊपर, हमें नहीं पता ऑफ रोडिंग है या गाड़ी का, यहाँ पे कोई हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है कि हम किससे पूछे। तो मैंने सोचा कि गाड़ी को लेना सेफ नहीं, गाड़ी को हम यहाँ पे रख देते हैं और हम इस रास्ते से ऑफ रोडिंग करके, ये रास्ता है, इस रास्ते ऑफ रोडिंग करके देखते हैं कि वहाँ पर कैसा है नज़ारा। ओके दोस्तों चलिए। यहाँ पर बहुत ठंडा है इसलिए मैंने जैकेट डाल लिया दोस्तों, और अभी हम जा रहे हैं जंगल कैंप की तरफ, पैदल चल रहे हैं। 300 मीटर ऑफ रोडिंग दिखा रहा है ये, और देखते हैं आगे आगे कैसे कैसा नज़ारा मिलता है हमें जंगल कैंप का। आप लोग को भी आज मैं जंगल कैंप घुमाती हूँ। ओके ये देखिए कैसा रास्ता है मेरे पीछे। देखो कैसे उड़ रही चिड़िया। एस्थेटिक शूट चल रहा है। फाइनली हमें थोड़ा सा कुछ दिखाई दिया, मुझे लगा कहीं वहाँ पे धूप नहीं होगी, तो मुझे लगा वहाँ पे धूप नहीं होगी तो हमें ठंडा लगेगा, और वहाँ पे धूप है। आओ मेरे साथ। अरे भाई दिखाते हैं बैग वाला, कमरा वाला, और क्या चाहते हो पहले खिलाने वाला। वाह हिमालय भी दिख रहा वहाँ से। यहाँ पे तो पूरा सन्नाटा है, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे हमें। कोई है? कोई है? चलो तुमको लेकर भैया कोई नहीं है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर एक गधेड़ा भी दिख रहा है, ये देखिए सुंदर सा नज़ारा। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद हमको ये नज़ारा दिखाई दिया। ये थोड़ा डिफरेंट लोकेशन है ना, मैगपाई कैंप। तो फिर हम दिखाते हैं, हैं ये थोड़ा अलग से ना, मतलब रोड से थोड़ा अलग है इसलिए मुझे अच्छा लगा ये लोकेशन। अच्छा वॉशरूम भी इसमें ही है। ओके रूम तो अच्छा है, वॉशरूम भी है। तो दोस्तों ये है यहाँ का मैगपाई रिजॉर्ट चोपता का, जहाँ के लिए न्यू ईयर के लिए बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये है अच्छा नंबर वन है अनियार नाम। बुरांस, हमने बुरांस में खींचने थे फोटो। नंबर थ्री चिलड़ी, नंबर फाइव टॉपर,
सावना बांच। तो यहाँ पे मैगपाई रिजॉर्ट के 10 कैंप्स हैं जो न्यू ईयर के लिए बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप इस लोकेशन में आ सकते हो दोस्तों और यहाँ पे आके न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हो आप लोग। और यहाँ पे है खरसू, 8 इनके बुग्याल है और 2 शायद, आ सकते हो दोस्तों और यहाँ पे आके न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हो आप लोग। और यहाँ पे है खरसू, 8 इनके बुग्याल है और 2 शायद लार्ज स्केल में। और इन्होंने कहा है कि एक रूम में कम से कम 4 लोग रह सकते हैं और प्राइस अपने हिसाब से कम ज़्यादा वो कर सकते हैं। लो आने का ले ले। अब क्या करो ना, इधर आ जा। दिलकश रहे जिंदगी बनाएंगे, सुन लो ना। ओ गॉड, दोस्तों धमकी मिल रही है मुझे, कटेल सुनूंगी मैं, सुन लो। व्हाट कटेल सी वो? कटेल की का मीनिंग आपको डिस्क्रिप्शन में बताया जाएगा क्या होता है, ठीक है? उस पार तैयार है मैगी का। तो ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया, देखिए। ओके दोस्तों, तो मैंने अभी खाया मैगी और पुलाव, बहुत टेस्टी था, भूख भी बहुत लग गई थी ना इसलिए, तो वो खा लेते तो उनको देख के मुझे भूख लगी तो मैंने भी खा ली। अब हम जा रहे हैं वापस इस तरफ की ओर, आपको इधर की कैंपिंग दिखाती हूँ। ओके, और ये देखो धूप जाने लग गई है मेरे पीछे। ये है पूरा एरिया। ये दोनों ना भाग रहे हैं, पता है आपको? ये दोनों बूढ़े हैं, ये एक बूढ़ा मुझे मत लेना वीडियो में, दूसरा बूढ़ा मुझे मत लेना वीडियो में। अब मैं इनके बिना कैसे वीडियो बना सकती हूँ, है ना दोस्तों? बताओ, दोनों ही जरूरी है। ये दोनों माँ बेटी भाग गए हैं, देखो। ओके दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे न्यू ईयर के लिए बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये मैगपाई रिजॉर्ट वाले की एक आगे भी है वुड, क्या बोला था, वुड रिजॉर्ट, यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ की बुकिंग तो खैर फुल हो चुकी है, कह रहे वो कल खुलेगा नया, या भी उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी। वुड कैफे एंड रेस्टोरेंट एंड क्या बताऊँ आप लोग को कि हाँ, 10 रूम्स हैं इनके यहाँ पे और आप लोग आके न्यू ईयर में कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर लोकेशन है दोस्तों, गेट जाने का, दर्शन करने का। पंचायत रुद्रप्रयाग। ओके दोस्तों, तो ये था आपको तुंगनाथ महादेव जाने के गेट दिखाया, वहां से हम जाते हैं तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने। तो आजकल तुंगनाथ महादेव के रास्ता बंद हो चुकी है तुंगनाथ महादेव की, तो वहाँ नहीं जा सकते आप, बट ट्रैकिंग के लिए आप जा सकते हो और चोपता में आ सकते हो। फिलहाल यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ी है, तो यात्रियों और हमारे टूरिस्ट को बर्फ़ का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है, देखते हैं कब पड़ेगी यहाँ पे बर्फ़, है ना दोस्तों? चलते हैं अपने रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की
अब हम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से चलते हैं अपने चोपता डिस्ट्रिक्ट की। चोपता डिस्ट्रिक्ट कंफ्यूजन, हमें करेक्शन करने वाले बहुत है पर बोलते नहीं है ये सामने। अब जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलते हैं हम अपने गोपेश्वर की तरफ। ठीक है, मिलते हैं आपसे गोपेश्वर में, तब तक ले टाटा बाय बाय टेक। मेरे पीछे गोपेश्वर नाइट व्यू, और आज का व्लॉग यहीं भी समाप्त करते हैं। यहीं से मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत करी थी, तो मैं यहीं पे व्लॉग को एंड करती हूँ। आपको हमारे आज के चोपता वैली और मंडल घाटी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू।